हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ देवोलिना। आपको ये लुक से पता ही चल गया कि आज मैं कौन सा लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। बट की जो न्यू मूवी है गंगूबाई, उसकी जो लुक है उसको मैं एक लुक को मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ आज। यू कैन सी, जब ये टीज़र रिलीज़ हुई है, एवरीबडी इज़ फॉलिंग इन लव विथ हर न्यू लुक इन दिस मूवी। तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी इस लुक को रिक्रिएट किया। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सो एज यू कैन सी, आई ऑलरेडी मॉइस्चराइज माई फेस एंड आई अप्लाइड सम लिप बम। सो टुडे आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द प्राइमर। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस O3+ प्राइमर। This is a gel base primer. इसको मैं मेरी फेस पर अप्लाई कर लूँगी। See, it instantly blurs my pores. If you are looking for a pore filling primer, you can try this. Now it's time for foundation. You can see आलिया की face में बहुत ज़्यादा high coverage foundation नहीं है, पर उनकी face में एक बहुत ही healthy सा glow है। तो इसके लिए मैं foundation apply करने के पहले MAC के जो strobe cream है इसको use करूँगी। मेरी फेस के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं इस स्ट्रोब क्रीम को अप्लाई कर लूँगी, मेरी फेस में वो हेल्दी सा ग्लो दिखाने के लिए। आज मैं HD फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं पूरी फेस पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि HD फाउंडेशन में वैसे एक इल्यूमिनेटिंग ग्लो रहता ही है। You can apply all over your face if you don't using any HD foundation. So foundation के लिए मैं मेरी फेवरेट मेकअप फॉरएवर की HD foundation यूज करूँगी एंड मेरा शेड है Y35। दिस इज माई शेड। फेस पर अप्लाई करूँगी, ज़्यादा पहले अप्लाई नहीं करूँगी, पहले थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी। ब्लेंड दिस, आई एम यूजिंग दिस CG ब्यूटी ब्यूटी ब्लेंडर। आई थिंक मुझे और थोड़ा फाउंडेशन चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा फाउंडेशन ये फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो आलिया की जो ये लुक है उसमें उन्होंने जो अंडर आइज है उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं की है। अगर आप वो पीछे पिक्चर को देखोगी तो अंडर आई में आपको हल्का सा एक डार्क शेड दिखने मिलेगा। तो मैं इसलिए आज मेरे अंडर आई को हाईलाइट नहीं करूँगी, पर उनकी जो नोज़ है वो शार्पली हाईलाइटेड है, तो मैंने नोज़ को एंड मेरी चिक बोन को हाईलाइट करूँगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन कंसीलर, एजुवेन कंसीलर इन द शेड लाइट। एंड फोरहेड, for that I am using this angular brush आज मैं फेस को एक डार्क कलर के फाउंडेशन की मदद से फेस को पहले कंटूर करूंगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लॉरियल इनफेलेबल फाउंडेशन इन द शेड 109 Classic 10।
Now I'm taking this beauty blender and मैं इसको blend कर दूंगी. सेम इस साइड पे भी कंट्रोल कर लूंगी. माय क्रीम कंट्रोलिंग इज डन. अब मैं थोड़ा सा पाउडर यूज करूंगी. मैं मैक के NC30 शेड को बस मेरी फेस पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लूंगी. छोटे से आई शेडो ब्रश की मदद से मैं मेरे नोज को कंट्रोल कर लूंगी. नाउ द ड्रामेटिक पार्ट व्हिच इज आई मेकअप. फॉल इन लव विद दैट काजल लुक. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन जेल लाइनर. Now I am taking this black eyeshadow from this Huda Beauty Rose Gold Palette. इस black eyeshadow को मैं इस काजल के ऊपर apply कर लूँगी. Same इस eye पे भी कर लूँगी. थोड़ा सा black eyeshadow मैं मेरी upper eyelash line पे भी अप्लाई कर लूंगी. बस थोड़ा सा ही इसको ही मैं मेरी फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी. जस्ट लाइक दैट. सेम ब्रॉन्जर आई मीन कंटूर इसको मैं मेरी आईलिड पर एज आई शैडो अप्लाई कर लूंगी. सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस. होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इस लुक पे आलिया ने कोई फेक आईलैशेस नहीं पहनी थी, तो मैंने भी कोई फेक आईलैश नहीं पहनी है. जस्ट मस्कारा अप्लाई की है एंड आईलैश को थोड़ा कर्ल की है. एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. एंड बाय. लव यू ऑल.